नमस्कार, हमारे खास प्रोग्राम रणभेरी में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। मैं हूँ मनीष कुमार वर्मा। पप्पू यादव की जन अधिकार पार्टी का कांग्रेस में विलय हो गया। पार्टी के अध्यक्ष पप्पू यादव ने इसका ऐलान कर दिया। पप्पू यादव अब आधिकारिक रूप से कांग्रेस में शामिल हो गए हैं। उनकी पार्टी के कार्यकर्ता भी अब कांग्रेस की सदस्यता लेंगे। पप्पू यादव ने कांग्रेस के साथ दिल्ली में प्रेस कॉन्फ्रेंस की। पवन खेड़ा ने पप्पू यादव को कांग्रेस में शामिल कराया है। बता दें कि पप्पू यादव पूर्णिया सीट से लोकसभा चुनाव लड़ने का ऐलान कर चुके हैं। कांग्रेस में शामिल होने के बाद पप्पू यादव ने कहा, मेरा पूरा परिवार कांग्रेस विचारधारा के साथ है। मैं राहुल गांधी के साथ हूँ। वो दुनिया के सबसे बेहतरीन नेता है। वो दुनिया के सबसे बड़े तानाशाह व्यक्ति के खिलाफ लड़ाई लड़ रहे हैं। राहुल और प्रियंका का विश्वास मेरे लिए काफ़ी है। मुझे पूरी कांग्रेस पार्टी ने सम्मान दिया है। राहुल गांधी ने 130 करोड़ लोगों का दिल जीता है। तो पप्पू यादव ने अपनी पार्टी को कांग्रेस में विलय कर दिया है। इस दौरान उन्होंने जमकर राहुल गांधी की तारीफ की है और उन्होंने कहा है कि कांग्रेस पार्टी जो है उन्हें सम्मान देती है, आई है, इसलिए वो कांग्रेस पार्टी को ज्वाइन कर रहे हैं। राहुल गांधी ने 130 करोड़ लोगों का दिल जीता है, ऐसा पप्पू यादव ने कहा है। देखिए, लोकसभा चुनाव से पहले पप्पू यादव ने अपनी पार्टी को कांग्रेस में विलय कर दिया है, तो कहीं ना कहीं ये भी समझा जा रहा है कि पप्पू यादव जिस तरह से अपने पार्टी को चला रहे थे, जन अधिकार पार्टी को चला रहे थे, उनको खास कोई उतना फ़ायदा नहीं हो रहा था, जिस कारण उन्हें कांग्रेस में अपनी पार्टी को विलय करना पड़ा। और कहा यह भी जा रहा है कि बहुत जल्दी पप्पू यादव के पार्टी के जो कार्यकर्ता हैं वो भी बहुत जल्दी कांग्रेस की सदस्यता लेंगे। हमारे साथ हमारे मेहमान भी जुड़ चुके हैं। प्रमोद सिन्हा जुड़ चुके हैं, आरजेडी के प्रवक्ता हैं, और चंदन सिंह जुड़ चुके हैं, आरएलजेपी के प्रवक्ता हैं। आप दोनों ही मेहमानों का बहुत बहुत स्वागत है। सबसे पहले प्रमोद सिन्हा जी, आपका रुख कर लेते हैं। प्रमोद सिन्हा जी, आज पप्पू यादव ने कांग्रेस का दामन थाम लिया, या यूं कहें कि अपनी पूरी पार्टी कांग्रेस में विलय कर दी है। तो एक पार्टी को अगर पूरे आप किसी पार्टी में विलय करते हैं तो कितना फायदा होता है और कितना नुकसान होता है? देखिए, जाप सुप्रीमो पप्पू यादव जी ने आज कांग्रेस पार्टी में अपनी पार्टी का विलय किया है। चूंकि अभी देश में जो मुद्दा बनाम मोदी की लड़ाई है, जो देश की ज्वलंत समस्याएं हैं, खास करके बेरोजगारी, भूखमरी, गरीबी, देश के जो संविधान को बचाने का, लोकतंत्र को बचाने का, तो ये सब जो ज्वलंत मुद्दे हैं, और केंद्र में बैठी जो सरकार है उसका जो जन विरोधी नीति है, जिससे देश की जनता काफ़ी दुखी है, तो इन सब मुद्दों को लेकर के हम आगे बढ़ रहे हैं। और हमारे नेता आदरणीय श्री तेजस्वी प्रसाद यादव जी, आपने देखा कि 17 महीनों की सरकार में किस प्रकार से युवाओं को सरकारी नौकरी देने का काम किया, और जो उनका वायदा था 2020 के चुनाव में, जो विधानसभा का चुनाव में, उस पर वो पूर्ण रूप से मात्र 17 महीनों की सरकार में खड़ा उतरने का काम किए थे। बिहार की जनता से जो वायदा किया था, जो उनका संकल्प था, उस संकल्प को निभाने का काम किए। तो आज जो हमारी जो विचारधारा है, जो मुद्दा बनाम मोदी की जो लड़ाई है, उसमें पप्पू यादव जी ने मुद्दा को चुना, देश की जनता के साथ जो ज्वलंत समस्याएं थी, उस समस्याओं को उन्होंने उठाने का काम किया, रखने का काम किया, और उसके साथ संघर्ष करने का काम किया है। तो हम सब नहीं, अब यहाँ पर प्रमोद सिन्हा जी, सवाल ये है कि अब पार्टी में विलय, एक पार्टी दूसरी पार्टी में विलय तो हो गई, पप्पू यादव ने अपनी पार्टी जाप को विलय तो कर दिया है, लेकिन कहा यह जा रहा है कि पार्टी में रहकर खासा कोई फायदा नहीं उठा पा रहे थे, अपनी पार्टी चला ढंग से नहीं पा रहे थे, इसलिए भी उनको लग रहा था कि अब हम सही रास्ता यही है कि कांग्रेस के साथ विलय हो जाए। आरजेडी के साथ भी कुछ बातचीत चल रही थी। देखिए, जहां तक उनके विलय की बात है, तो वो स्वतंत्र हैं, उन्होंने जहां अपना विलय किया है। और पप्पू यादव जी 2014 में राष्ट्रीय जनता दल के सांसद रहे, जीते, तो उनका तो राष्ट्रीय जनता दल से भी पुराना संबंध रहा है।
तो इसमें अब चूंकि वो स्वतंत्र हैं, वो कांग्रेस पार्टी में अपनी पार्टी का विलय किए हैं, जो मुद्दा है उसको लेकर के वो उन्होंने अभी जब कांग्रेस पार्टी में अपनी पार्टी का विलय किया तो उन्होंने स्पष्ट रूप से कहा कि राहुल गांधी जी देश के जो मुद्दा है उसको लेकर के आगे बढ़ रहे हैं, हम इनके साथ हैं। ठीक है, चंदन सिंह जी चंदन सिंह जी, यहाँ पर सवाल ये है कि आज पप्पू यादव ने जो है आज अपनी पार्टी का विलय कर लिया है, तो किस तरह से आप देख रहे हैं, क्या उनके विलय होने से क्या खासा कुछ असर पड़ेगा लोकसभा चुनाव के दौरान? ठीक है, लव कुमार भी हमारे साथ जुड़ चुके हैं। लव कुमार जी, स्वागत है आपका न्यूज़ बायोस्कोप में। चंदन सिंह जी, मैं कहना ये चाहता हूँ कि आज पप्पू यादव जी ने बहुत लंबे समय से जन अधिकार पार्टी को चलाया और अपने आइडियोलॉजी को रखते हुए बिहार में, हालांकि ये नीतीश जी के साथ भी साथ में रहे, लालू जी के साथ में भी रहे, और ये जन अधिकार पार्टी को आज इन्होंने कांग्रेस में विलय किया। इसके संदर्भ में मैं ये कहना चाहूँगा कि आज जो केंद्र सरकार में एनडीए की जो सरकार है, और अभी दो दिन तीन दिन पहले आपने देखा होगा कि हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष, राष्ट्रीय लोक जनशक्ति पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष आदरणीय पशुपति पारस जी वहाँ 2020 में हाजीपुर से उन्होंने जीता और एक लंबे समय से एनडीए के साथ में रहा, और आज जब एनडीए में सीट बंटवारे को लेकर के इस लोकसभा चुनाव के लेकर बातचीत हुई तो किस वजहों पर इनको कि हम आप पप्पू यादव जी के बारे में ही बात करूँ, उस संदर्भ में मैं थोड़ा सा बता देना चाहता हूँ। एनडीए के लेकर के आज इनको एक भी सीट नहीं दी गई, किन कारणों से नहीं दी गई ये तो मैं नहीं बता सकता हूँ, लेकिन यह एक बात पूरे देश के सारे क्षेत्रीय पार्टियों को समझ में आ जाना चाहिए कि एक बार आदरणीय नड्डा साहब पटना पे आए थे, उन्होंने भी कहा और भाजपा के बड़े नेता अमित शाह जी ने कई बार कहा इन क्षेत्रीय पार्टियों को खत्म कर देना है, तो आज उसी में आज पप्पू यादव जी का अच्छा काम किए कि अपनी पार्टी को कांग्रेस के साथ में अपने समाहित कर लिया, जिससे कि एनडीए के जो क्षेत्रीय पार्टी को खत्म करने की बात जो आती है कि खत्म कर देना है आने वाले समय में, अभी तो शुरुआत ही हुई है और थोड़े दिन कल आप झारखंड में भी आपने देखा होगा आपके शिबू सोरेन के जो बहू थी, बड़ी बहू, उनको भी तोड़ करके अपने में मिला दिया गया, ऐसा महाराष्ट्र में हुआ, हर जगह इसे देखने को मिल रहा है। तो हर लोग अब छोटी छोटी पार्टी की जगह एक जगह इंडिया गठबंधन एक जगह मिल करके एक अपने आइडियोलॉजी पर चलेंगे, एक अच्छी शुरुआत है, हम स्वागत करते हैं। लोकसभा चुनाव में क्या इसका असर दिखेगा जिस तरह से पप्पू यादव ने कांग्रेस में अपनी पार्टी को विलय कर दिया, सवाल ये है? कद एक ऐसे भी पप्पू यादव जी का एक पहले से अपना युवा शक्ति के को नेतृत्व उन्होंने किया है, और ऐसी बात नहीं है, चुनाव जीतना और हारना तो एक अलग चीज है, और वो उनका एक अच्छा जनता के बीच में लोकप्रिय है अपने क्षेत्रों में, पूर्णिया और सहरसा जहाँ भी हैं, और उनको कांग्रेस को भी इसका लाभ मिलेगा और पप्पू यादव जी को भी उनके जाने से पप्पू यादव भी जीत सकते हैं, जनता उनको जिता कर भेज सकती है। जी लव कुमार जी, यहाँ पर देखिए कई सारी चीज़ें हैं, अब पप्पू यादव भाई अपनी पूरी पार्टी को विलय कर लेते हैं ऐसा देखा जा रहा है अमूमन, कि यूपी में भी देखा गया था कि किस तरह से प्रसपा ने सपा में विलय हो गए और अब वहाँ पर चाचा भतीजा अब साथ में हैं, लेकिन यहाँ पर जो है कांग्रेस में पार्टी को विलय करना क्या एक अच्छा कदम है पप्पू यादव के लिए? ठीक है, लगता है लव कुमार से हमारा संपर्क टूट गया, हम दोबारा संपर्क साधेंगे। प्रमोद सिन्हा जी, यहाँ पर देखिए अगर बात करें लोकसभा चुनाव को लेकर, तो लोकसभा चुनाव के दौरान अगर आप इस तरह का काम करते हैं, तो आप अपनी पार्टी का विलय करते हैं, तो जो कई कार्यकर्ता हैं वो भी जुड़े होते हैं आपसे, उनकी वो भी कई संभावनाएं तलाशते हैं, भाई पार्टी को इतने दिन तक आप चलाइए उसके बाद किसी पार्टी में विलय कर दीजिए, भाई जो कार्यकर्ता काम करते हैं वो इसलिए काम करते हैं कि आने वाले समय में उन्हें टिकट दिया जाएगा या फिर उनको एक अच्छा पद दिया जाएगा,
तो क्या अब वो संभावनाएं तो फिलहाल खत्म हो गई ना, अब तो कांग्रेस के भरोसे बैठ जाएंगे उनके कार्यकर्ता। देखिए पप्पू यादव जी, जाप सुप्रीमो ने जो भी कदम उठाया है, हम समझते हैं वो अपने कार्यकर्ताओं से बात करके ही कदम उठाया होगा। कार्यकर्ता किसी पार्टी का रीढ़ होता है, उसकी पूंजी होता है, तो बिना कार्यकर्ता के विचार के पप्पू यादव जी इस तरह का तो कदम नहीं उठाए होंगे। वो अपने साथ अपने उनके जो कार्यकर्ता हैं, जो कांग्रेस में भी चले गए, तो उनको भी तो वहां सम्मान दिलाएंगे, सम्मान दिलाएंगे। लेकिन अब यहाँ पर तो यही है ना कि कैसे, देखिए यहाँ सम्मानी की तो बात है, अब आप कार्यकर्ता हैं, अब आप पार्टी विलय हो जाए किसी में। हमारे साथ एक बार फिर से जुड़ चुके आते हैं प्रमोद सिन्हा जी, लव कुमार जी, पप्पू यादव ने जिस तरह से पार्टी विलय कर ली अपनी कांग्रेस के अंदर, आप लोग किस तरह से देखती, बीजेपी किस तरह से देख रही है, और लोकसभा चुनाव में इसका क्या इम्पैक्ट पड़ेगा? देखिए पप्पू जी के बारे में हम केवल यही कहेंगे कि सच्चाई को छुपाना आसान नहीं है। पप्पू जी की पार्टी जाप कांग्रेस में विलय तो कर चुकी है, लेकिन कांग्रेस के जो बिहार प्रदेश के अध्यक्ष हैं अखिलेश प्रसाद सिंह जी को इसकी जानकारी तक ही नहीं है, उनको सूचना ही नहीं दिया गया है। देखिए केंद्रीय गठबंधन के जो भी लोग हैं, ये बिना कप्तान के लोग हैं, बिना कप्तान की पार्टी है, और जब टॉस करने वाला कप्तान ही नहीं होगा तो टीम कैसे तैयार होगी। इन लोग सियासी पीच पर क्लीन बोल्ड होने वाले हैं 2024 में, सियासी पीच पर एनडी गठबंधन के तमाम लोग क्लीन बोल्ड होंगे, और भारतीय जनता पार्टी और एनडीए गठबंधन क्लीन चिट करने वाली है बिहार में। अच्छा यहाँ पर ये भी देखिए, अब तो सवाल ये उठ जाते हैं ना कि फिर जो कार्यकर्ता हैं, वो कार्यकर्ता जो इतनी जीतोड़ मेहनत करते हैं, एक पार्टी को बढ़ाते हैं, फिर उन वो कार्यकर्ता ये सोचते हैं कि आने वाले समय में उन्हें टिकट मिलेगा या अच्छा पद मिलेगा, अब तो पूरा जाप पार्टी के जो कार्यकर्ता है वो तो अब सब कांग्रेस के भरोसे हो जाएंगे। लव कुमार जी,